तो हेलो दोस्तों, फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कैसे आप किसी भी बैंक का UPI पिन सेट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपके पास बैंक है और UPI ऐप है तो आपके पास ATM कार्ड भी होना जरूरी है, ताकि आपको UPI पिन जनरेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो सिंपली आज इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कैसे आप UPI पिन सेट कर सकते हो। अगर आप UPI ऐप यूज़ करते हो, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और भी बहुत सारे UPI ऐप है, लेकिन आप UPI ऐप को यूज़ करते हो तो आपको UPI पिन सेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं पेटीएम से इक्विटास बैंक का UPI पिन कैसे सेट करते हैं, इसके रिगार्डिंग आज इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहो, वीडियो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो भी होने जा रहा है। तो मैं सिंपली आज इस वीडियो के अंदर, मेरा पास है पेटीएम UPI ऐप, तो सिंपली मैं पेटीएम से UPI पिन सेट करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। और आप जानना चाहते हो कैसे गूगल पे में बैंक लिंक करें और कैसे गूगल पे से भी UPI पिन सेट करें, इसके रिगार्डिंग जानना चाहते हो तो सिंपली आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा और मैं कंप्लीट बताऊंगा कैसे आप गूगल पे में बैंक लिंक कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। तो सिंपली आज हम UPI पिन सेट करने का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। अगर आप पेटीएम से UPI पिन सेट करना चाहते हो तो सिंपली आपको पेटीएम ओपन करना पड़ेगा। पेटीएम से आप दो जगह से आप UPI पिन सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं सिंपली यहां पर बैलेंस एंड हिस्ट्री में क्लिक करूंगा तो मेरा सामने यहां पर जितने भी बैंक अकाउंट लिंक हुआ है और जितने भी ट्रांजेक्शन किया है इसका हिस्ट्री यहां पर दिखाई देता है। तो सिंपली यहां पर व्यू ऑल में क्लिक करूंगा तो मेरा सामने यहां पर कितने सारे बैंक लिंक हुआ है यहां पर दिखाई देता है। तो सिंपली यहां पर देख सकते हो एक बैंक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सिंपली यहां पर चेक बैलेंस करने जाऊंगा तो सिंपली यहां पर आ रहा है सेट UPI पिन। इसका मतलब ये है इस बैंक का UPI पिन सेट अभी तक हुआ नहीं। तो सिंपली इस बैंक का UPI पिन सेट करना पड़ेगा, तब जाकर के इस बैंक का मैंने बैलेंस चेक कर सकता हूँ और किसी भी फ्रेंड को बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, सेंड मनी भी, UPI ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले मेरे को सेट UPI पिन करना पड़ेगा। सेट UPI पिन में यहाँ से भी कर सकता हूँ और एक जगह है जहाँ से UPI पिन आप सेट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैंने बैक करूँगा। बैक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आ जाना पड़ेगा मेनू वाले सेक्शन में, जहाँ पर हमारा फोटो होता है। यहाँ पर मेरा एक आइकॉन दिखाई दे रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में एकदम टॉप कॉर्नर में। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर टैप करते ही सिंपली यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देता है, जैसे कि हेल्प एंड सपोर्ट, API एंड पेमेंट सेटिंग, ऑर्डर बुकिंग। तो सिंपली यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा UPI एंड पेमेंट सेटिंग में। UPI पेमेंट सेटिंग में जैसे ही क्लिक करोगे तो सिंपली यहां पर पेमेंट सेटिंग में दिखाई देता है कितने सारे बैंक आप यहां पर लिंक करके रखा हो और कौन सा बैंक आपका प्राइमरी हुआ है। तो सिंपली यहां पर देख सकते हो मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है प्राइमरी बैंक है और यहां पर बहुत सारे जो अल्टरनेटिव बैंक है यहां पर ऐड करके रखा है। तो सिंपली इस बैंक में सारे जितने भी बैंक है यहां पर सारे बैंक का UPI पिन सेट हुआ है, यहां पर दो बैंक का UPI पिन सेट नहीं हुआ है। सिंपली यहां पर यूनियन बैंक का और यहां पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है UPI पिन अभी तक सेट नहीं हुआ है। तो सिंपली इस बैंक का मेरे को UPI पिन सेट करना पड़ेगा। UPI पिन सेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर सेट पिन दिखाई दे रहा है, यहां पर सेट पिन का एक दिखाई दे रहा है यहां पर राइट साइड में रिमूव अकाउंट और यहां पर सेट पिन। तो सिंपली यहां पर सेट पिन में क्लिक करना पड़ेगा। सेट पिन में जैसे ही क्लिक कर दिया यहां पर क्रिएट फोर डिजिट UPI पिन Using your debit card details। तो सिंपली आपके पास, मैंने पहले भी बता दिया है, आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए, ATM कार्ड होना चाहिए, तब जाकर के आप आपका बैंक का UPI पिन सेट कर सकते हो। UPI पिन सेट करने के लिए आपका ATM कार्ड का जो लास्ट 6 डिजिट नंबर होता है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो लास्ट 6 डिजिट नंबर होता है डेबिट कार्ड का, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और जो एक्सपायर डेट और वैलिडिटी डेट होता है, एक्सपायर डेट जो होता है, तो सिंपली यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। एक्सपायर डेट आपको आपका डेबिट कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ पर मतलब लिखा हो सकता है वैलिड थ्रू। ठीक है, तो सिंपली मैं यहां पर लास्ट 6 डिजिट नंबर यहां पर डाल दूंगा और एक्सपायर डेट भी यहां पर डाल दूंगा, उसके बाद प्रोसीड में क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहां पर मैंने लास्ट 6 डिजिट नंबर और एक्सपायर डेट यहां पर डाल चुका हूं। तो सिंपली यहां पर प्रोसीड में क्लिक कर दूंगा। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद देख सकते हो मेरा सामने एक लोडिंग आया, उसके बाद इस तरीके से मेरा सामने एक पेज ओपन हो गया है। तो सिंपली इस पेज को हो सके तो ब्लैक भी हो जाए, क्योंकि मैं यहां पर UPI पिन सेट कर रहा हूं, तो सिंपली यहां पर शायद इस पेज को ब्लैक भी हो सके, तो उसके
इसके लिए मैं बता दूंगा, यहाँ पर आपको UPI पिन सेट करने का एक पेज ओपन हो जाता है। तो सुन ले, यहाँ पर लिखा होता है एंटर 6 डिजिट बैंक OTP। तो सॉरी यहाँ पर आपका जो बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक हुआ है उसी नंबर में एक OTP सेंड किया जाता है। उस OTP को यहाँ पर डालना पड़ता है। यहाँ पर आपको पिन जनरेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर देख सकते हो एंटर 6 डिजिट बैंक OTP। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर में जो भी OTP आया है 6 डिजिट का, उस OTP को यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर में एक OTP आ चुका है 6 डिजिट का। इस OTP को मेरे को सिंपली यहाँ पर इस बॉक्स में डालना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को एंटर करना पड़ेगा। तो सिंपली इस OTP को मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो OTP डालने के बाद सिंपली मेरा सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो गया है। तो सिंपली इस पेज में आप जाकर के मेरे को 4 डिजिट का एक UPI पिन सेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है सेट 4 डिजिट UPI पिन। तो सिंपली यहाँ पर मेरे को डालना पड़ेगा 4 डिजिट UPI पिन। यहाँ पर मैं 4 डिजिट UPI पिन जैसे ही डाल दूंगा, उसके बाद दोबारा मेरे को उसी पिन डालना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए, तब जाकर के मेरा जो UPI पिन है वो सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर मेरा UPI पिन यहाँ पर डाल दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने UPI पिन डाल दिया है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्लू आइकन का एक टिक दिखाई दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक करते ही सिंपली मेरा सामने दूसरा पेज ओपन हो गया है। तो ब्लू आइकन में टिक करने के बाद सिंपली मेरा सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर मेरे को डालना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा जो पिन मैं पहले मैंने डाला हूँ उसी पिन को यहाँ पर मेरे को सेम पिन यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद ब्लू टिक में ब्लू यहाँ पर ब्लू आइकन दिखाई दे रहा है एक टिक आइकन, तो सिंपली यहाँ पर मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर पिन को कन्फर्म कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेम पिन यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर ब्लू आइकन का एक टिक आइकन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पर मैंने क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्लीज वेट कुछ इस प्रकार से मेरे सामने एक लोडिंग लिया। उसके बाद देख सकते हो ऑटोमेटिकली जो है मेरा जो है बैंक है यहाँ पर बैंक का पिन है यहाँ पर सेटअप हो गया है। तो सिंपली यहाँ पर कुछ राइट साइड में सेट पिन का आइकॉन दिखाई दे रहा था, तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो अभी यहाँ पर चेक बैलेंस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर बीच में यहाँ पर मिडिल में चेंज पिन का एक ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप किसी भी बैंक का UPI पिन सेटअप कर सकते हो बहुत ही ईजिली। इसके रिलेटेड आपका मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका कॉमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और आपके फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक में देखना चाहते हो वो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।